हेलो दोस्तों, मैं रुपेश साहू एक्सलेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसकी वर्किंग क्या होती है और वो किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों, जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, ये एक टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जिसमें जो कि हमारे इनपुट वोल्टेज को या इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई तो करता है, बट जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट के 180 डिग्री में क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, सपोज हमारा जो इनपुट सिग्नल है इसकी जो वेव फॉर्म है वो इस तरह से है, तो जो आउटपुट सिग्नल होगा हमारा वो इससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में होगा। तो ये होता है इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वर्क। अब इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर दो टर्मिनल है हमारे। इसके एक टर्मिनल को, जिससे कि हम सप्लाई दे रहे हैं, इसको हमने एम्पलीफायर के इन्वर्टर के साथ क्या करा है, कनेक्ट करा है। ये माइनस चीज जो है वो इन्वर्टर कहलाता है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ग्राउंड कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, हम सप्लाई देते हैं, तो यहाँ से करंट I1 पास होती है। ये वाले जो पॉइंट है इसको हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं। यहाँ पर जाकर ये करंट दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक करंट I2 होती है और एक करंट IF, जो कि RF रजिस्टर से फ्लो होती है। अब बैलेंस करंट, यदि हमारा ये जो एम्पलीफायर है ये आइडल है, तो आइडल कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा V1 रहेगा वो बराबर होगा BR के। आइडल कंडीशन में क्या होगा, B1 बराबर होगा BR के। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पॉइंट A पर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, KCL लगा देते हैं। तो अप्लाई KCL एट पॉइंट पॉइंट ए। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, KCL क्या होता है कि जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होती है। तो आउटगोइंग करंट कौन कौन सी, यहाँ पर I2 प्लस IF, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब क्या होगा, हम I1 को और भी थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर I1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा VI होगा माइनस VR डिवाइड बाय, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, R1 बराबर I2 का। यदि हमारा ये जो एम्पलीफायर है ये आइडियल है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगी, ये वाली ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगी, सारी की सारी करंट जो रहेगी वो इस ब्रांच से फ्लो होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, I2 तो जीरो हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या हमारा IF। यहाँ पर क्या हो जाएगा, VI बराबर, सॉरी, VI माइनस BR अपॉन R1, और यहां पर हो जाएगा IF। IF को भी हम वोल्टेज के फॉर्म पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम IF को, तो यहां पर हो जाएगा VR माइनस V0। V0 क्या है, हमारा आउटपुट वोल्टेज है, और यहां पर इसका इसके बटे में जाएगा RF। तो दोस्तों बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, या आइडियल कंडीशन हम बोले, तो आइडियल कंडीशन में V1 बराबर होगा VR के, लेकिन जो V1 है हमारा वो क्या है, ग्राउंड है, तो इसकी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BR और VR की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे। तो जो VI अपॉन R1 होगा, यहाँ माइनस जीरो बचेगा, यहाँ जीरो माइनस V0 अपॉन RF। अब यहाँ पे क्या करेंगे, VI अपॉन R1 बराबर माइनस V0 इक्वल टू अपॉन RF। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम V0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस RF बटे R1 इंटू VI। तो ये होता है दोस्तों हमारा आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो जाएगा V0 बटे VI बराबर हो जाएगा माइनस RF बटे R1। तो दोस्तों ये जो है आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज जो होता है वो हमारा गेन होता है। तो ये हमारा गेन है, जिसको हम लाभ भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। थैंक यू दोस्तों।